యిర్మీయాహ భవిష్యవక్తకి పుస్తక్ అధ్యాయ 39. యిర్మీయాహ భవిష్యవక్తకి పుస్తక్ అధ్యాయ 39. యహూదా కే రాజా సిద్కియా కే రాజ్య కే 90వే వర్ష కే 10వే మహీనే మే బాబుల్ కే రాజా నబూఖద్నెజర్ నే అప్ని సారీ సేనా సమేత యెరూషలేం పర్ చఢాయీ కర్కే ఉసే ఘేర్ లియా ఔర్ సిద్కియా కే రాజ్య కే 11వే వర్ష కే 4థే మహీనే కే 90వే దిన్ కో उस नगर की शहरपनाह तोड़ी गई. सो जब यरूशलेम ले लिया गया तब निर्गल सरेसेर और समगरनबो और खोजों का प्रधान सरसकीम और मगों का प्रधान निर्गल सरेसेर आदि बाबुल के राजा के सब हाकिम बीच के फाटक में प्रवेश करके बैठ गए. जब यहूदा के राजा सिदकियाह और सब योद्धाओं ने उन्हें देखकर रात ही रात राजा की बारी के मार्ग से दोनों भीतों के बीच के फाटक से होकर नगर से निकलकर भाग चले और अरावा का मार्ग लिया, परंतु कसदियों की सेना ने उनको खदेड़कर सिदकियाह को यरीहो के अराबा में जा लिया और उनको बाबुल के राजा नबूखदनेस्सर के पास हमास देश के रिबला में ले गए और उसने वहां उनके दंड की आज्ञा दी. तब बाबुल के राजा ने सिदकियाह के पुत्रों को उसकी आंखों के सामने रिबला में घात किया और सब कुलीन यहूदियों को भी घात किया. उसने सिदकियाह की आंखों को फुड़वा डाला और उसको बाबुल ले जाने के लिए बेड़ियों में जकड़वा दिया. कसदियों ने राजभवन और प्रजा के घरों को आग लगाकर फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को ढा दिया. तब जल्लादों का प्रधान नबूजरदान प्रजा के बचे हुओं को जो नगर में रह गए थे और जो लोग उसके पास भाग आए थे उनको, अर्थात प्रजा में से जितने रह गए, उन सबको बंधुआ करके बाबुल को ले गया. परंतु प्रजा में से जो ऐसे कंगाल थे जिनके पास कुछ न था, उनको जल्लादों का प्रधान नबूजरदान यहूदा देश में छोड़ गया और जाते समय उनको दाख की बारियां और खेत दे दिए. बाबुल के राजा नबूखदनेस्सर ने जल्लादों के प्रधान नबूजरदान को यिर्मीयाह के विषय में यह आज्ञा दी कि उसको लेकर उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखना और उसकी कुछ हानि न करना, और जैसा वह तुझसे कहे वैसा ही उससे व्यवहार करना. सो जल्लादों के प्रधान नबूजरदान और खोजों के प्रधान नबूजबान और मंगों के प्रधान निर्गल सरेसेर और ज्योतिषियों के सरदार और बाबुल के राजा के सब प्रधानों ने लोगों को भेजकर यिर्मीयाह को पहरे के आंगन में बुलवा लिया और गदल्याह को, जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था, सौंप दिया कि वह उसे घर पहुंचाए. तब से वह लोगों के साथ रहने लगा. जब यिर्मीयाह पहरे के आंगन में कैद था, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि जाकर एबेद मेलेक कुशी से कह कि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुझसे यो कहता है, देख, मैं अपने वे वचन जो मैंने इस नगर के विषय में कहे हैं इस प्रकार पूरा करूंगा कि इसका कुशल न होगा, हानि ही होगी, और उस समय उनका पूरा होना तुझे दिखाई पड़ेगा. परंतु यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है तू उनके वश में नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से न मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा. यहोवा की यह वाणी है. यह इस कारण होगा कि तूने मुझ परमेश्वर पर भरोसा रखा है.